हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे सोवेल चैप्टर को ही। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सोवेल की जानकारी ली थी। आज इससे आगे बढ़ेंगे, सोवेल का कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। सोवेल का क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ इट्स बकेट इट इज़ क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, रोप सोवेल एंड नॉन रोप सोवेल। सबसे पहले हम लोग रोप सोवेल का कंस्ट्रक्शन जानेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। और ये सोवेल पहले के ज़माने में यूज किया जाता था, आज का डेट में सभी सोवेल नॉन रोप सोवेल है, हाइड्रोलिक सोवेल हो गया। तो सबसे पहले रोप सोवेल का फिगर हम लोग देखेंगे, ये कैसा दिखता है। ये है एक रोप सोवेल का फिगर। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं अंडर कैरेज यूनिट। और ठीक इससे ऊपर ये जो पार्ट है, ये ऑपरेटर केबिन प्लस इंजन रूम है, इस पार्ट को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये है बूम ऑफ सोवेल। और यहाँ पर एक स्टिक दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिपर स्टिक। और सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर में एक फ्रेम बनाया गया है, इस फ्रेम को बोलते हैं ए फ्रेम। इसमें पुल्ली होता है, पुल्ली से रोप पास किया जाता है, और बूम का टॉप एंड में भी पुल्ली होता है, और यहाँ से रोप फिर पास होके आता है और बकेट तक अटैच रहता है। ये पार्ट हो गया हमारा बकेट। सो दीज आर दी मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए सोवेल, एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। कोई भी इक्विपमेंट्स का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ दैट इक्विपमेंट। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को ये फिगर बनाना ज़रूरी है। तो मेरा यह कहना है कि आप लोग सब घर में इस फिगर को प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम में आराम से इसको बना सके। 50% मार्क फिगर का रहता है और 50% मार्क उसका एक्सप्लेनेशन का। इसके बाद है, हम लोग सोवेल का जानेंगे पावर ट्रांसमिशन। रोप टाइप सोवेल में पावर को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, इंजन का पावर को। इंजन का पावर का यूटिलाइजेशन बकेट का ऑपरेशन, स्विंगिंग ऑपरेशन एज वेल एज ट्रैवलिंग ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है हम सोवेल में, नॉन रोप रोप टाइप सोवेल में। तो पावर ट्रांसमिशन में बकेट का ऑपरेशन के लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, पावर जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइड होके ये जाता है। सबसे पहला है क्राउड एंड बकेट हॉइस्ट शाफ्ट, क्राउडिंग और बकेट हॉइस्ट शाफ्ट। बकेट जो इंसर्ट करता है मटेरियल के अंदर, इंसर्ट किया जाता है, उसको क्राउडिंग बोलते हैं। और बकेट प्लस बकेट हॉइस्ट होता है, ऊपर का तरफ उठता है, तो उसका एक शाफ्ट होता है, तो वहाँ हम लोगों को पावर भेजना है सबसे पहले। सेकंड है बूम हॉइस्ट शाफ्ट में भेजना है। बूम को भी हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी फिगर में हम लोग देखें कि बूम किसे कहते हैं, वो बूम को भी हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो उसका जो शाफ्ट है उसमें भी हम लोगों को पावर को भेजना रहता है। और तीसरा है स्विंग एंड प्रोपल्सर, जो सुपर स्ट्रक्चर है वो 360 डिग्री तक टर्न कर सकता है, और इसी को स्विंग कराने के स्विंगिंग बोलते हैं। और ये टर्निंग जो है उसके लिए भी उसका जो शाफ्ट है उसमें हम लोगों को इंजन का पावर को भेजना रहता है। सबसे पहले क्राउड एंड बकेट हॉइस्ट, ये तीनों ही शाफ्ट में हम लोग पावर, इंजन का पावर को भेजते हैं बाय मींस ऑफ चेन एंड स्प्रॉकेट अरेंजमेंट। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इंजन का पावर कैसे कैसे करके ट्रांसमिट होगा तीनों शाफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इंजन का पावर जो है ट्रांसमिट होता है बाय मींस ऑफ चेन एंड स्प्रॉकेट अरेंजमेंट। और हर एक शाफ्ट में एक क्लच का अरेंजमेंट होता है और एक ब्रेक का अरेंजमेंट होता है। सपोज़ हम लोगों को बकेट को लिफ्ट करना है, तो इसके लिए तीन लीवर्स, कुछ लीवर्स होता है ऑपरेटर का केबिन में, कुछ क्लच का लीवर होता है, कुछ ब्रेक का लीवर होता है। जब हम लोगों को इंजन का पावर को ट्रांसमिट करना है, बकेट को हॉइस्ट करना है, दैट टाइम वी विल
एंगेज द क्लच, क्लच मैकेनिज्म होता है, क्लच का लीवर को प्रेस करके क्लच एंगेज करने से इंजन का पावर ट्रांसमिट होगा क्लच का थ्रू स्विंग क्राउड एंड बकेट फर्स्ट शाफ्ट में। और ये पावर जब चला जाएगा तो बकेट अपने आप ऊपर उठने लगेगा, जो रोप है वो ड्रम में रोटेट करेगा और बकेट अपने आप ऊपर उठेगा। लेकिन बकेट ऊपर उठने के बाद जब हम क्लच को रिलीज़ कर देते हैं, अब और ऊपर नहीं उठाना है, इन दैट केस बकेट फॉल हो सकता है ड्यू टू इट्स ओन वेट ग्रेविटी के चलते। तो यहाँ पर एक ब्रेक का ऑटोमेटिक ब्रेक का अरेंजमेंट है, जैसे ही क्लच रिलीज़ होगा ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ब्रेक लगने के चलते बकेट जिस पोजीशन में उठा हुआ होता है उसी पोजीशन में वो स्टे कर जाते हैं, और जिस टाइम हम लोग क्लच को एंगेज करते हैं एट दैट टाइम ब्रेक ऑटोमेटिक डिसएंगेज हो जाता है। ब्रेक क्लच एंगेज होता है और ब्रेक डिसएंगेज हो जाता है, जिसका चलते बकेट फिर से ऊपर उठने लगते हैं। और बकेट को अगर हम लोगों को नीचे लगाना रहा है, नीचे वो हम लोग इंजन पावर से कंट्रोल नहीं करते हैं, इसका कंट्रोल सिर्फ ब्रेक से है। ब्रेक का भी एक लीवर रहता है ऑपरेटर केबिन में, जब हम ब्रेक को हल्का हल्का रिलीज़ करते हैं तो बकेट धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है ड्यू टू इट्स ओन वेट ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही अरेंजमेंट फिर क्राउड बूम हॉइस्ट शाफ्ट में भी है, उसमें भी क्लच है और ब्रेक अरेंजमेंट है। क्लच एंगेज करेंगे पावर जाएगा, ब्रेक डिसएंगेज हो जाएगा पावर जाएगा बूम हॉइस्ट शाफ्ट में और बूम ऊपर की तरफ उठने लगेगा। और जब हमको बूम को जिस पोजीशन में छोड़ना है उस टाइम क्लच डिसएंगेज कर देंगे, ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा, ब्रेक अप्लाई हो जाएगा और बूम जो है उसी पोजीशन में स्टे कर जाएगा। इसके बाद है, और जब बूम को हमको लोअर करना है एट दैट टाइम क्या करेंगे, जो बूम का लीवर है ब्रेक लीवर, उस ब्रेक लीवर को स्लोली स्लोली रिलीज़ करेंगे तो बूम अपने आप नीचे की तरफ धीरे धीरे आएगा और जिस पोजीशन में हमको स्टे चाहिए उस पोजीशन में फिर से ब्रेक को अप्लाई कर देंगे। थर्ड शाफ्ट है स्विंग एंड प्रोपेल शाफ्ट। स्विंग एंड प्रोपेल शाफ्ट में भी इसी टाइप का अरेंजमेंट है, इसमें भी क्लच है और ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। जब क्लच एंगेज करेंगे इंजन पावर विल बी डिलीवर्ड टू द स्विंग शाफ्ट। उसमें एक पिनियन है और बड़ा सा रिंग गियर है, पिनियन क्या कर, पिनियन रोटेट करेगा, पिनियन में पावर आएगा, पिनियन फिर रिंग गियर को रोटेट करेगा और रिंग गियर या बुल गियर का ऊपर पूरा सुपर स्ट्रक्चर माउंटेड है तो सुपर स्ट्रक्चर पूरा रोटेट करने लगता है। और जिस पोजीशन में हमको रोकना है उस टाइम में क्लच को डिसएंगेज कर देंगे, ऑटोमेटिक ब्रेक्स विल बी अप्लाइड एट दैट टाइम और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो उसी पोजीशन में स्टे कर जाएगा। और फिर इसमें ये पावर जो है इसमें गियर का अरेंजमेंट का थ्रू है, उसमें रिवर्स मैकेनिज्म भी लगा हुआ है। रिवर्स अगर हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ रिवर्स मैकेनिज्म। ओके, तो ये हो गया हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अंडर कैरेज यूनिट। इन अंडर कैरेज यूनिट हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फिगर देखेंगे अंडर कैरेज यूनिट। ये क्रॉलर माउंटेड है, इसमें चेन सिस्टम होता है और ये दोनों चेन जो है इसका दोनों एंड में दो स्प्रॉकेट लगता है, एक को बोलते हैं ड्राइविंग स्प्रॉकेट और दूसरा को बोलते हैं ड्रिवन स्प्रॉकेट। ड्राइविंग स्प्रॉकेट में इंजन का पावर आता है और ड्राइविंग स्प्रॉकेट जब घूमता है ये चेन को रोटेट कराता है, और चेन रोटेट होने से जो इक्विपमेंट है वो आगे बढ़ता है या पीछे जाता है। और ये चेन को हम लोग चेन में उसका पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स चेन का ये पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रैक सू। और एक साइड में ड्राइविंग स्प्रॉकेट, दूसरा साइड में ड्रिवन स्प्रॉकेट, और दोनों का बीच में एक होता है चेन टेंशनर। चेन टेंशनर का मदद से चेन धीरे धीरे वर्क काम करते करते ये एलोंगेट हो जाता है और इसका एलोंगेशन होने से चेन ढीला पड़ जाता है। तो हम लोग ड्रिवन स्प्रॉकेट को थोड़ा सा दूर खिसका के व्हील बेस को बढ़ा के हम लोग चेन को वापस टाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नट का अरेंजमेंट होता है, जो पुराना सॉल्व्स था वहाँ नट मैकेनिज्म से करते थे नट को टाइट करके, और जो अभी का सोवेल है उसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर का मदद से हम लोग चेन टाइट कर सकते हैं।
तो ये चेन जो है, ये चेन का ऊपर में और नीचे में दोनों एंड में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रोलर्स दिया गया रहता है, उसको बोलते हैं आइडलर रोलर्स है। ये सपोर्ट के लिए है, ऊपर का रोलर जो है चेन सैग नहीं करे बीच से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर रोलर। और जो नीचे रोलर दिया गया रहता है यहाँ पर, ये कोई पत्थर उत्थर आने से चेन अंदर नहीं घुस जाए, उसको सपोर्ट करने के लिए दिया गया रहता है। इस रोलर को बोलते हैं ट्रैक रोलर। इसके बाद है, ये हो गया अंडर कैरेज यूनिट। इसका काम है टू सपोर्ट द होल मशीन, हेल्प्स इन मार्चिंग ऑफ द मशीन, हेल्प्स इन स्टेयरिंग ऑफ द मशीन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाइड्रोलिक सोवेल। हाइड्रोलिक सोवेल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें रोप मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसका फिगर। यहाँ ये जो सोवेल है, ये पुश टाइप सोवेल है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो टीथ है बॉडी से आउटवर्ड है फेसिंग, तो ये पुश करके डिग करता है। ये सोवेल को ऑन एंड अबव द अर्थ सरफेस डिगिंग करने का पर्पस में लाया जाता है। लेकिन हम लोग इससे पहले एक फिगर देखे थे सोवेल का, जो पहला क्लास में मैंने दिखाया था। ये जो फिगर है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो बकेट का टीथ है ये बॉडी का तरफ है, तो ये सोवेल ऑन एंड बिलो द अर्थ सरफेस को डिग करने के लिए होता है। इसको बोलते हैं पुल टाइप सोवेल, और ये जो सोवेल है इसको बोलते हैं हम लोग पुश टाइप सोवेल। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगा हुआ है, बहुत सारा सिलेंडर्स लगा हुआ है। ये सिलेंडर का मदद से ही बकेट का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ये पार्ट बूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स का सिलेंडर्स है, बाकी सारा मैकेनिज्म सेम है। तो इसमें क्या क्या सिलेंडर है, सबसे पहला है बकेट सिलेंडर, बकेट ऑपरेटिंग सिलेंडर, स्टिक सिलेंडर और बूम सिलेंडर। ये चार वैरायटी का सिलेंडर्स है जिसका मदद से हम लोग इसका बकेट का ऑपरेशन करते हैं। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाइड्रोलिक सोवेल। तो फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका फिगर को हम लोगों को प्रैक्टिस करना है घर में। आप सभी को ये फिगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। 50% मार्क्स इन फिगर रहता है और 50% मार्क्स इन इट्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसी के अब हम लोग जानेंगे बकेट का बारे में। बकेट जो है दो तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइप का बकेट्स है। बकेट दो टाइप में डिवाइड किया गया, पहला है बॉटम डिस्चार्ज बकेट, दूसरा है साइड डिस्चार्ज बकेट। जिस बकेट से हम लोग मटेरियल को गिराते हैं साइड से, उसको साइड डिस्चार्ज बकेट बोलते हैं। और जिस बकेट से बॉटम से डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं बॉटम डिस्चार्ज बकेट। ठीक है, बॉटम में डोर रहता है, बॉटम पार्ट खुल जाता है और मटेरियल जो है नीचे गिर जाता है, उस टाइप का बकेट को बोलते हैं बॉटम डिस्चार्ज बकेट। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, साइक्लिक ऑपरेशन ऑफ ए सोवेल। व्हाट आर द साइक्लिक ऑपरेशन ऑफ ए सोवेल? तो सोवेल का साइकिल जो है, ऑपरेशन साइकिल चार पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोगों को सोवेल को पोजिशन करना है अगेंस्ट द बैंक ऑफ द मटेरियल टू विच वी हैव टू डिग। डिगिंग पर्पस के लिए सबसे पहले सोवेल को पोजीशन कर लिए। पोजीशन करने के बाद हम लोग बकेट को इंसर्ट करेंगे। वी विल इंसर्ट द बकेट अगेंस्ट द बैंक ऑफ द मटेरियल। जब बकेट का टीथ इंसर्ट हो जाएगा अगेंस्ट द बैंक ऑफ मटेरियल, वी विल टिल्ट इट लिटिल अपवर्ड, जिससे सारा मटेरियल बकेट का अंदर में घुस जाए। और उसके बाद फिर इक्विपमेंट को बैक करेंगे। बैक करने के बाद वी विल लिफ्ट द बकेट एंड देन, अगर डंपर साइड में है तो उसको स्विंग करेंगे। स्विंग करने के बाद डंपर का बकेट में फिर उस पोजीशन करेंगे और फिर उस बकेट को टिल्ट लो डाउनवर्ड करेंगे। डाउनवर्ड करने के बाद अगर यह साइड डिस्चार्ज बकेट है तो वो मटेरियल डंप हो जाएगा डंपर के बकेट में, और फिर हम लोग स्विंग करके वापस उस पोजीशन में ले आएंगे। अगेन वी विल अगेन इंसर्ट द बकेट। तो ये एक पूरा साइकिल हो गया। अगर डंपर साइड में नहीं है, इन दैट केस आफ्टर स्विंगिंग वी विल मार्च द इक्विपमेंट टुवर्ड्स द डंपिंग यार्ड। डंपिंग यार्ड तक ले जाएंगे इक्विपमेंट को, वहाँ पर डंप कर देंगे, फिर वो इक्विपमेंट वापस लाएंगे, फिर से पोजीशन करेंगे, फिर
स्टार्ट करेंगे एक्सेटिंग द बकेट अगेंस्ट द बैंक ऑफ द मटेरियल। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक ऑपरेशन ऑफ ए सोवेल। नेक्स्ट टॉपिक है सोवेल इंस्टॉलेशन एंड कमीशन। सोवेल जो है ये आजकल छोटा सोवेल हम लोग देखते हैं, लेकिन जो माइनिंग सेक्टर्स में यूज होता है वो बहुत ह्यूज साइज का सोवेल्स होता है। उसका इंस्टॉलेशन एंड कमीशन ऑन द साइट इट्सेल्फ किया जाता है। ये इतना बिग होता है कि उसको पूरा इक्विपमेंट को लेके जाना रोड से पास करा के, ये रोड ये इक्विपमेंट बहुत चौड़ा होता है, रोड जाम कर देगा, तो इसको लेके जाने में बहुत दिक्कत है। तो इसको पार्ट वाइज में लेके जाते हैं ट्रेलर में लोड के, बकेट को अलग ले जाते हैं, बूम को अलग ले जाते हैं, फिर सुपर स्ट्रक्चर को अलग, अंडर करेज यूनिट को अलग से ले जाया जाता है, और जो साइट है माइनिंग साइट वहीं पर इसका कमीशनिंग किया जाता है। आफ्टर कमीशनिंग इसका ट्रायल रन किया जाता है। आफ्टर द इंस्टॉलेशन द सोवेल इज रन विथ नो लोड फॉर अबाउट 8 आवर्स और एज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चर। बिना लोड का सोवेल को 8 घंटा हम लोग चलाते हैं। इसके बाद इफ नो डिफिकल्टी अपीयर्स इन द रनिंग द सोवेल इज देन रन एट हाफ लोड फॉर अबाउट 100 आवर्स। अगर कोई डिफिकल्टी नहीं आता है पहला 8 घंटा में तो हम लोग 100 घंटा फिर चलाएंगे, लेकिन हाफ लोड पर। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इक्विपमेंट जो है फुल्ली लोड करके हम लोग इसका वर्किंग करा सकते हैं। तो ये इसके साथ ही हमारा सोवेल चैप्टर्स ख़त्म होता है। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि आप लोग इसका फिगर बनाएं, और जो क्वेश्चन आंसर दिया है, क्वेश्चंस दिया गया है चैप्टर का एंड में, उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। और एक असाइनमेंट है, अगर ये असाइनमेंट करने से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई और काम नहीं है, तो आप लोग इस चैप्टर को लिखें कॉपी में, उसका फिगर बनाएं, इससे बहुत मदद मिलेगा एग्ज़ाम में। थैंक यू।